सामने से आवाज लगाते लगाते आ रही है कि पटवाल जी आ गई मैं। बाबू मेरा ही इंतजार कर रहे थे क्या? ये एक गाड़ी में इमोशनल सा सीन हो गया था। पता क्या हुआ कि मैं जगह तो चेंज हो ही जाती है, बट साथ साथ जज्बात भी चेंज हो जाते हैं, फीलिंग चेंज हो जाती है। अभी हम मोदी नगर में ही हैं, अभी यहाँ से भी काफी आगे जाना है। दोस्तों सबसे पहले प्रणाम और शिवा सोले आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त। तो चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं, आइए फिर कुछ खास करते हैं। तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि मेरी तैयारी है दिल्ली जाने की, तो अभी मैं दिल्ली जाने की तैयारी में बिल्कुल फुल हो चुका हूं तैयार, और यहां पर मेरा बैग रेडी है। और फटाफट से पहले मैं देर होने वाली है खाना खा लेता हूं। माँ ने रोटी बनाई है, तो सुबह का माहौल कुछ ऐसा है बाहर का। अभी अंधेरा ही हो रखा है, लगभग 6:15 का टाइम हो रहा है। टाइम हो गया। तो यहाँ देखो कुछ इस तरीके से माँ ने मेले परांठे बनाए हैं, तो फटाफट से निपटाता हूँ फिर चलता हूँ। तो चलिए जी, अभी नाश्ता भी हो गया है और फटाफट से निकलते हैं। मेरे पास मात्र 35 मिनट है यहाँ से नीचे सिमड़ी पहुँचने में, और तब फटाफट से बस पकड़ेंगे। अभी पूरा अंधेरा ही हो रखा है, यहाँ देखो सामने से उजाला धूप थोड़ा भी नहीं है। तो अभी मैं गांव से काफ़ी नीचे आ गया हूं, तो हल्का सा उजाला हो गया है जिससे कि ये रास्ता मुझे दिखने लग गया है। तो अभी मैं सिमड़ी में तो पहुंच गया हूं। मैंने सोचा था लेट हो जाएगी, बट मैं हमेशा ऐसे, जब भी मेरे साथ ऐसा होता ना कि लेट हो जाएगी लेट, उस टाइम मैं हमेशा टाइम से पहले पहुँच जाता हूँ। और अभी बस नहीं आई है, गर्मी हो गई। बाकी मैंने साथ में लटपाल भी ला रखा था, लटपाल को कहीं पर रख दिया है, कभी काम आएगा। लटपाल बोले तो लट्ठा काम आ जाता है ना जंगल के रास्ते पैदल पैदल, तो ये चीज़ जरूरी हो जाती है। बाकी अभी का माहौल तो इधर का ऐसा है कुछ, हाँ देखो बिल्कुल शांत सा माहौल, बस सुनाई दे रही है तो नदी की आवाज़ छन 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 छन, बाकी कुछ नहीं। फिलहाल 6:50 हो गए हैं और बस आती होगी, 7 बजे का टाइम है बस का, तो मैं 10 मिनट पहले ही पहुँच गया। तो ये चीज़ ठीक हो जाती है यार, किसी भी काम के लिए निकलो ना टाइम से पहले आदमी पहुंच जाना चाहिए, बाकी सब चीज़ ठीक ठाक हो जाती है। और अभी सामने से भी बस आने लग गई है, सामने से आवाज़ लगाते लगाते आ रही है कि पटवाल जी आ गई मैं। बाबू मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे क्या? तो हाँ जी मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। ओ यार भरत सिंह वालिया कहाँ जा रहा है। तो अभी अपनी गाड़ी मिल गई है, बैठ गए हैं, बाकी मेरे साथी मित्र भी मिले हैं यहाँ पर। अब सही हो जाएगा, दगड़ू हो गया है दिल्ली तक, वो भी दिल्ली जा रहा है। अभी पहुँचे हैं रखड़ीखाल मार्केट, काफ़ी ठंडा है यार, हवा चल रही है खतरनाक वाली। तो यहाँ पर एक दुकान है, तो अंकल जी के लिए मैं थोड़ा सा नींबू लाया था, मेरे पास बहुत सारे नींबू है घर में, तो मैंने कहा ले जाता हूँ। लो घर बैठे पर्च पर्च बात मन नींबू चढ़ा जो मेरे पास ले जाओ। अच्छा अच्छा हम ना, अरे ना 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 कुछ नहीं चढ़ा, अरे यहाँ पर तेरे बलियारो ना 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 कख लगा जो रन जा देर उड़ी ना ना छ छ चाहो तो तब जाके। तो वो घर में भी ऐसे थे यार पेट पे, मैंने कहा ऐसे वेस्ट जाते हैं तो लेके आते हैं, तो मैं अंकल जी को दे गया हूँ, वो फटाफट से चलते हैं क्योंकि 5 मिनट का टाइम दे रखा है बस वाले ने। क्या अरे यार आप तो हर टाइम एकदम कख रहे, एक्सरसाइज छुड़ गई सब चीज़ छुड़ गई। अच्छा तभी तो छुयो पेट आ गया। तो अब यहाँ से चलते हैं, 5 मिनट भी नहीं रुका यार भाई साहब, क्या चक्कर है? चाय भी नहीं, चाय रखवाई रखवाई थी दी दिया मिल यार, चल कोई बानी।
अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम हैं सिसल्टी में, पहले गाड़ी ठीक टाइम को टाइम के टाइम पर रुकती थी हाँ ना, और अब सिसल्टी में रुक रही है तो यहाँ पर नाश्ता करेंगे फटाफट से, फिर चलेंगे यहाँ से आगे। अभी एक गाड़ी में इमोशनल सा सीन हो गया था, पता क्या हुआ कि मैं गाने बहुत कम सुनता हूँ ना, तो मैंने गाने डाउनलोड कर रखे थे मसअप वाले, तो क्या हुआ कि पहले तो ठीक ठाक गाने चल रहे थे और उसके बाद अचानक से अरिजीत सिंह के गाने चलने लगे, और तब कुछ ऐसा हो गया कि अरे यार अरिजीत सिंह के गाने इमोशनल कर देते हैं आदमी को, तो कुछ ऐसा हो गया था। अभी हमारी कूड़दार में एंट्री हो चुकी है और ये बस ना हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल अहम किरदार निभाती है, वो बताऊँ क्यों, किसी को तो ये घर लेके जाती है और किसी को घर से दूर लेके जाती है, तो बसों का भी हमारे जीवन में ना एक अहम रोल है। क्यों भरत भाई कुछ गलत बात की? बिल्कुल सही बात, पक्का ना? पक्का नाराज़ नहीं चाहिए? अरे अमल के लिए हूँ नाराज। कोरदार से निकलते ही कुछ ऐसा हो जाता है कि अजीब सा, मतलब लगभग ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ आ गए हम, जगह तो चेंज हो ही जाती है बट साथ साथ जज्बात भी चेंज हो जाते हैं, फीलिंग चेंज हो जाती है और मतलब अजीब सा लगता है घर से आने के बाद। खैर छोड़ो, जो भी है अब जाना तो है ही। बाकी पता नहीं कौन सी जगह है, इधर हम रुके हैं ढाबे पे, मुझे जगह का नाम भी सही से पता नहीं है। बाकी घर से तो मैं पूरा पैक होके आया था बट अभी गर्मी होने लगी है। बाकी हमारे भरत भाई अपना साज बाज ठीक कर रहे हैं, काफ़ी हैंडसम आदमी हैं। मैं और भरत भाई एक साथ हम रामनगर में पहली बार मिले थे, मैं बीरोखाल में मिले थे ना, बीरोखाल में मिले थे जब हमारा यूथ फाउंडेशन के लिए सिलेक्शन हुआ था ना उस टाइम पे, तो यूथ फाउंडेशन कैंप में भरत भाई मेरे साथ थे, हालांकि हम दोनों भर्ती नहीं हो पाए बट हमने मेहनत पूरी की थी। क्यों भरत भाई? बाकी फिलहाल चमचमाती धूप लगी हुई है, बहुत सारी बसें यहाँ पर रुकती हैं यार, बहुत सारी हैं यहाँ 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 आधी आ ही रही हैं अभी। अभी 6:45 का टाइम हो रहा है और अभी हम मोदी नगर में ही हैं, अभी यहाँ से भी काफ़ी आगे जाना है, मोहन नगर तक मुझे जाना है, उसके बाद फिर ऑटो लूँगा, फिर वहाँ से जाऊँगा मैं बिनोद नगर। फिलहाल तो यहाँ देखो कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ, इस वाले होटल में रुके हैं और यहाँ देखो हाँ आ गया आ गया, अब तोड़ना है क्या? हाँ क्या करना? अंडर भी क्या बात है भैया, आप तो बड़े जोश में लग रहे हो यार। अरे यार बस एक दिन बैठ ड्यूटी जान हुई सोचा था के गण वाले ध्यान बैठ। तो चले जी फाइनली बड़ी मुश्किल से जैसा तैसा करके पहुंच चुके हैं मोहन नगर, तो कुछ ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही हो रखा है, अब यहां से चलेंगे ऑटो में। चले जी लटकते भटकते पता नहीं कहां से पहुंच गया हूं मैं यहां पे प्रदीप भाई के रूम में, तो ये प्रदीप भाई है लगे पड़े हैं और एक हमारे स्टार प्लेयर भी पहुंच चुके हैं जो कि स्पेशल जम्मू से लैंड हुए हैं यहाँ बिनोद नगर में। और यार प्रदीप भाई यार मार्गसम प्रदीप भाई यार तू भी यार कब बनू नहीं खड़ा कब बनू नहीं खड़ा मार्गसम तीन चार था इन्हें उन्हें कह दिया यार मैं लूं पा रहता था दीदी 100 मीटर तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अभी खाना पीना हो गया है बस आराम करते हैं बिल्कुल, सुबह फिर फटाफट उठना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ रिश्तेदार के साथ सबके साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।